हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक कमेंट में। तो जैसा हमने पिछले वीक में फेसबुक ऐड के बारे में बताना स्टार्ट किया था, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पिछला वीडियो मैंने बताया था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक बेस्ट ऑडियंस कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो की हाउ टू टारगेट द बेस्ट ऑडियंस, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हाउ टू क्रिएट सेटअप एंड रन फेसबुक एड कैंपेन। फेसबुक एड जो होते हैं, अगर आपको चलाना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ऑडियंस कैसे से टारगेट करें। मैंने पिछले वीडियो में ये बता दिया था, अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक एड क्रिएट सेटअप एंड रन कैसे करें, फेसबुक एड कैंपेन रन कैसे करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं गूगल पे आया, गूगल पे जाके मैंने डाला फेसबुक एड्स मैनेजर। अब इस पे मैं गया फेसबुक एड मैनेजर पे, गो टू एड्स मैनेजर। अब यहां से मैंने आपको बताया था यहां से कि ऑडियंस कैसे टारगेट कर सकते हैं, एड अकाउंट कैसे सेट कर सकते हैं। एड्स मैनेजर इसमें है, बिजनेस सेटिंग है, कॉमर्स मैनेजर है। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट पीछे वीडियो में मैंने ऑडियंस के बारे में बताया था, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब बात करते हैं एड कैसे बनाए। तो ये देखिए, आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट के ऑप्शन पे जाके मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं बाइंग टाइप, ऑक्शन, रीच एंड फ्रीक्वेंसी। तो आज हम ऑक्शन पे बात करने जा रहे हैं और उसमें कंसिडरेशन में चूज करते हैं ट्रैफिक। हमें अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए एड चलाना है, तो मैंने चूज किया यहाँ से ट्रैफिक। अब ये देखिए ट्रैफिक का ऑप्शन आ गया। अब मैं जाता हूँ कंटिन्यू करता हूँ। इसमें कैंपेन नेम मैं देता हूँ, कैंपेन नेम क्या हो सकता है, कैंपेन नेम ऐसा कुछ डाले जो आपको कभी भी उस एड को देखे तो आपको याद हो जाए। सपोज वेबसाइट ट्रैफिक डिजिटल, अब कैंपेन बजट बाइंग टाइप ऑप्शन है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक, ए बी टेस्ट। जब हम एक से अधिक एड्स बनाते हैं तो उसमें से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए ए बी टेस्ट होता है। तो अभी हम इसे क्रिएट नहीं करते हैं, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा ए बी टेस्ट कैसे होता है। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये देखिए पर डे में ये डेली बजट है, यहाँ लाइफ टाइम बजट भी डाल सकते हैं। तो सपोज मैं 500 डालता हूं, मैंने 500 डाला, आप इसे कहते हैं नेक्स्ट। एड सेट नेम क्या है, न्यू ट्रैफिक एड सेट। अब अगला जो पॉइंट है ये देखिए, नीचे आपको ट्रैफिक दिख रहा है, तो ट्रैफिक क्या कहता है कि आपको ट्रैफिक कहाँ पे लेके जाना है, वेबसाइट पे, ऐप पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे अगर आप लेके जाओगे तो आपके पास व्हाट्सएप मैसेज ज्यादा आएंगे, मैसेंजर पे लेके जाओगे मैसेज ज्यादा आएगा, ऐप पे लेके जाओगे तो ऐप पे ट्रैफिक ज्यादा आएंगे, और वेबसाइट पे लेके जाओगे तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा आएंगे। तो मैं चूज करता हूँ वेबसाइट पे। अब ये डायनामिक क्रिएटिव मैं अभी नहीं बता, अगले वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में बहुत ही डिटेल टारगेटिंग होता है। तो वो डायनामिक क्रिएटिव
ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं, बट अभी आपका स्टार्टिंग है तो आप यहाँ से लिंक क्लिक्स पे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन पे कर सकते हैं, पेमेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, लैंडिंग पेज व्यूज पे कर सकते हैं, जितने लोगों ने देखा उसके हिसाब से आप अपना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो अब अगला ऑप्शन है बजट एंड शेड्यूल, स्टार्ट डेट कब है, इन डेट आप कब करना चाहते हैं, तो ये इंड ऑप्शनल होता है। अब ऑडियंस, ऑडियंस मैंने आपको बताया था, बट अगर आप ऑडियंस में दो तरीके के ऑडियंस होते हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस और दूसरा है यूज सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस में देखिए मैंने जो बना रखा है डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ क्रिएट न्यू ऑडियंस कर देता हूँ कि आपको पिछला रिवाइज हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, लोकेशन क्या कर देता हूँ, इंडिया कर देता हूँ, या अगर आपको कुछ दूसरा कंट्री भी जाना है वो भी जा सकते हैं, या इंडिया हटाना चाहे वो भी हटा सकते हैं। ये क्या होगा, आप अपने ट्रैफिक पे किस टाइप के कस्टमर को उड़ाना चाहते हो, ये सारे पार्ट मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखते हैं, मैं इस पे टारगेट कर देता हूँ 18 से 35 साल, और जेंडर्स क्या आपको मेल और फीमेल या कोई एक चाहिए, मेरे हिसाब से दोनों चाहिए, से मैंने दोनों को टारगेट किया। लैंग्वेज हिंदी बंगाली जो भी चाहिए आपको। अब अगला जो सबसे सेफ डिस ऑडियंस करते हैं हम, यहाँ पे ऑडियंस का नाम क्या डालते हैं, वेबसाइट विजिटर्स, सेव कर दिया हमने। अब अगला जो ऑप्शन है प्लेसमेंट, हम अपने ऐड को ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे लेके जाएंगे या मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट क्या होता है कि अपने जो भी फेसबुक का जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी फीड ये सब होता है, इस पे और फेसबुक अपने हिसाब से ऐड चलाएगा। मैनुअल प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप जहाँ चाहोगे, जैसे देखिए प्लेटफॉर्म क्या क्या है, फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेंजर ऑडियंस नेटवर्क, आप किस पे चलाना चाहते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपको ऑटोमेटिक कि फेसबुक खुद से करे, देन यू हैव टू चूज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। अगर आप खुद से करना चाहते हो, सपोज मैं इंस्टाग्राम पे नहीं करना चाहता, मैसेंजर पे नहीं करना चाहता, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं करना चाहता, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे करना चाहता हूँ, तो मैनुअल प्लेसमेंट हमारा काम आएगा। अब अगला आते हैं, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, फेसबुक पेज कौन सा यूज करना है, एड नेम आप डाल सकते हो, वेबसाइट फेसबुक पेज कौन सा होगा, डिजिटल आप दूसरा करना चाहते हो तो आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज कौन सा होगा, कनेक्ट अकाउंट कर सकते हो आप यहाँ से। ये देखिए ये इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसलिए इसमें हमें करने की जरूरत नहीं होती। अब एड सेट अब बनाना है, एक से एड ज्यादा एड बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग पोस्ट को एड करना चाहते हैं, अब जो चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या होता है, पहला सिंगल इमेज और वीडियो, आपको सिंगल इमेज डालना है या वीडियो डालना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज और वीडियो डाला जाएगा। अगर आपको बहुत सारे इमेज और वीडियो डालने हैं तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ कैरोसेल, कैरोसेल में आप एक से ज्यादा इमेज, हो सकता है 5 भी डाल सकते हैं 7 भी डाल सकते हैं। कलेक्शन ये ग्रुप ऑफ आइटम डेट ओपन इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस करना चाहे वो कर सकते हैं, एड क्रिएटिव करना चाहे। अब मीडिया एड, एड इमेज हम बात करते हैं, ये देखिए हम
हमने लगाया हुआ है। सपोज ये मैं डालना चाहता हूँ, या अगर आप अपलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके सिस्टम है वहां से अपलोड कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसे मैंने नेक्स्ट पे किया, अब इसे डन करते हैं। ये देखिए आपको यहां से प्रीव्यू भी दिखेगा। अब प्राइमरी टेक्स्ट में मैं लिखना चाहता हूँ रेट्स डिस्टर्ब, मैंने कुछ एड्स बनाए थे तो ये सजेशन आ रहा है, मैं यहां से इसको ऐड कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन है मैं यहां से ऐड कर, या अगर मैं अपना लिखना चाहता हूँ हे डिजिटल मार्केटर इफ यू वांट मार्केटिंग देन दिस इज ओम। अब ये देखो आपका सी मोर पे आ गया, यहां से आप एड प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला हेडलाइंस, आप क्या डालना चाहते हैं हेडलाइंस में, डिजिटल मार्केटिंग। डिस्क्रिप्शन आप क्या डालना चाहते हैं, आप देखो जो भी डाल रखा है ना मैंने रेट्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग, आपको सारा कुछ प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, सीम वो कर सकते हैं, आप कुछ भी अगर करना चाहे एडवांस प्रीव्यू देखना चाहे। ये देखिए फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में कैसे दिखेगा ये एड, फेसबुक मार्केट प्लेस में कैसे दिखेगा, वीडियो फीड में कैसे दिखेगा, फेसबुक राइट को इंस्टाग्राम ये नहीं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये देखिए फेसबुक की इन स्ट्रीम वीडियो में कैसा ये दिखेगा, आप ये करके देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने इसको टारगेट बना सकते हैं। अब अगला कहते हैं आप क्या चाहते हैं, डेस्टिनेशन कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, वेबसाइट पे, फेसबुक इवेंट पे, फोन कॉल पे। सपोज मैं वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ तो मैंने अपनी वेबसाइट का डिटेल डाल दिया, प्रीव्यू यूआरएल, ये देखिए आप, ये देखिए मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं फोन कॉल चाहते हैं तो आप यहां से नंबर डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप आपका जो ट्रैफिक कहां पे आना चाहते हैं वो डिटेल डालते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। अब अगर डिस्प्ले लिंक क्या होगा या कॉल टू एक्सटेंशन क्या होगा, आप फोन नंबर डालना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन लर्न मोर, गेट ऑफर, अगर आप कोई ऑफर देना चाहते हैं, नो बटन देना चाहते हैं कि कोई बटन ना हो, अप्लाई नाउ देना चाहते हैं, बुक नाउ देना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट देना चाहते हैं, डाउनलोड देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। सेंड व्हाट्सएप मैसेज, वॉच मोर, ट्राई ऑन, सब्सक्राइब, अगर कोई पेज है जिसे आप सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं तो आप सारी कुछ डाल सकते हैं। अब आते हैं ट्रैकिंग, ये तो फेसबुक पिक्सेल का है जो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ तो ये पब्लिशिंग हो रहा है, ये रिव्यू में जाएगा और कुछ देर के बाद जो है ना जैसे फेसबुक इसे चेक करेगा कहीं आपने जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने इसे डीएक्टिवेट तो नहीं किया है। ये देखिए प्रोसेसिंग में आ गया, प्रोसेसिंग में आने के बाद ये रिव्यू में जाएगा बट मुझे चाहिए नहीं तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो इस हिसाब से अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट देके, और जाते जाते मैं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर फेसबुक एड जब चलाते हैं तो ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करें, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा, आपके बिजनेस गोल के हिसाब से होगा, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।
इसलिए मैं कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।